संतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। साहब जी की कृपा से शराब की इन तीन और ब्रांडों पे साहब जी की शराब छा गई है। इनका लेवल पहन के 1,00,000 बोतलें परसों तक बाजार में होंगी। ठीक है साहब जी, साहब जी साहब जी, ये हथियारों का जखीरा आपके बताए हुए ठिकाने पर आज शाम को पहुंच जाएगा। बाकी के 50,000 गन्स और स्टैंड गन्स बस्ती के और घरों में रखवा दिए साहब जी। आज कलवा नहीं दिखा। कल रात उसने रात पाली की थी, अपनी खोली में सो रहा है साहब जी। अच्छा, कौन सी खोली है उसकी? वो खोली है साहब जी। वो? जी सर। आज देखते हैं पीटर तुम्हारे इस बम में कितना दम है। कलवा ने हमको धोखा दिया और आज जिंदगी ने उसे धोखा दे दिया। उसके बीवी बच्चे एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, झूठ बोला था उसने हमसे। वो हमसे छुपाकर अपने बच्चों को हमारी पढ़ाई पढ़ाने के बजाय वहां नासिक में स्कूल की पढ़ाई पढ़ा रहा था। ये बस्ती मेरे जुल्म का कब्रिस्तान है और तुम सब लोग मेरे जुल्म पर बिछी हुई एक सफेद चादर, और मुझे अपनी चादर पर एक जरा सा भी दाग पसंद नहीं। अगर किसी ने भी दाग लगाने की कोशिश की तो उसका वही हाल होगा जो कलवा का हुआ है। सबसे बड़ा कौन? साहब जी। Yes! I am the best! जानकी जी, ये सच है कि सूरज भान ने कलवा को सिर्फ इसलिए बम से उड़ा दिया कि वो अपने बच्चों को छुप छुप के पढ़ा रहा था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारा शिवा पढ़ेगा। हमारे साथ मेम साहब हैं,
पुलिस वाले साहब हैं। तलाशी लो। क्या बात है साहब? मैं साहब मेरी बात तो सुनो। ये लो ये देखिए ये हथियार, ये बंदूक मिला है साहब। सारे हथियार जेब में रख दो माधव। जी साहब। जल्दी हथियारों का धंधा करता है, गिरफ्तार करो इसे। नहीं साहब नहीं, मेरे पति बेकसूर हैं, इन्होंने गलत काम करना छोड़ दिया साहब। मेम साहब, मेम साहब। क्या हुआ जानकी? मेम साहब, शिवा के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों, क्या किया उसने? कुछ नहीं मेम साहब, उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया था, वो बेकसूर है। अगर वो बेकसूर है तो तू फिक्र मत करना, मैं साहब से कहकर। सुनिए जी। क्या हुआ? जानकी के पति को आपकी पुलिस बेवजह पकड़ कर ले गई। पुलिस बेवजह किसी को नहीं पकड़ती, जरूर उसने कोई गलत काम किया होगा। नहीं साहब, जब तक वो उनके लिए गलत काम करते रहे पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया तो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। देखिए जी, कुछ कीजिए ना, वो बेकसूर है। ठीक है, कल पुलिस स्टेशन आ जाना। शिवा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे बापू को लेकर आती हूँ। मत मारिए, मत मारिए, नहीं, मत मारिए। हम फोड़ तेरे साथी कौन कौन से बता, नहीं तो तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। देखिए, देखिए मैं बड़े साहब से चिट्ठी लेकर आई हूँ। ओ साहब, लीजिए। देखिए से, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसे फांसी हो सकती है। नहीं साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग बचा लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, पर इतने बड़े जुर्म से इसे बचाने के लिए तुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ क्या साहब? नस्तिका, बड़े साहब को कुछ करना पड़ेगा, समझ गई ना? पान, पान, पान। देख अब इसकी जिंदगी सिर्फ तेरे हाथों में है, अरे जल्दी सोच वरना ये बेचारा प्यासा ही मर जाएगा। पानी, पानी। ठीक है। चल जा, जा सांप को खुश कर दे। अरे भैया सांप की तो निकल पड़ी है। लो पानी पी लो। सर। अरे वाह भेड़ू वाह, तेरा तो नसीब खुल गया बाप शंकर। अभी तो सिर्फ पानी पिलाया है, थोड़ी देर बाद लस्सी भी पिलाएगा, दारू भी पिलाएगा, बिरयानी खिलाएगा, तंदूरी चिकन गर्मा गर्म खिलाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी बीवी पर थापर और श्रीवास्तव का दिल आ गया है। अरे थोड़ी देर की बात है शंकर, उन दोनों को खुश करते ही तेरे सारे केस कला। चल जा। चल तेरे मर्द को छोड़ देता हूं, आजा। अरे भाई शंकर तेरी तो जमानत हो गई, जा जा ऐश कर। जानकी जानकी जानकी, ये तूने क्या किया जानकी? ये बोलो बोलो, ये क्या किया तूने? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ। अंकुर जानकी मेरे पास
जानकी। नहीं, नहीं जानकी, नहीं जानकी, खबर जानकी का आत्महत्या का और शंकर का पुलिस एनकाउंटर में मरने का केस बना लो। यस सर। थापर श्रीवास्तव, मां कसम मेरा बच्चा लेना, दोनों को जिंदा जला दो कमीनों को। मेरी मम्मी और डैडी को मार दिया, मेरी मम्मी और डैडी को, मेरी मम्मी और डैडी को मार दिया। मम्मी तुम लोग गंदे हो, मेरी मम्मी और डैडी को मार दिया, तुम लोग गंदे। पुलिस साले को गंदा कहता है साले, चल फट। मम्मी कहीं का ए बंद कर, चल। क्या हो बेटा? माजी माजी, मेरे मम्मी और डैडी को पुलिस वाले ने मार दिया, बहुत खून बह रहा था, वो दोनों मर गए माजी, वो दोनों मर गए। क्या पार्वती, विजय को लेकर अंदर जाओ। वो मुझे सब मालूम है, बाद में बताता हूँ। विजय को लेकर अंदर जाओ। आ जा बेटा, आ जा। देखो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अगर दोबारा मैंने यहां तुम्हें देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस वाला हूं, इतना ध्यान में रखना। निकल। रो मत शिवा, जो हुआ उसे भूल जा बेटा। ये समझ ले, यही जीसस की मर्जी थी, पर तू अपने आप को अकेला मत समझ। मेरे लिए जैसा पिंटो वैसा तू है बेटा। शिवा हमारी बात मान, कल से हमारे साथ काम पर लग जा। 50 रुपए रोज के मिलेंगे, 50 रुपए मजा करेंगे मजा। आज मेरी तरफ से ये 50 रुपए ले। नहीं शिवा, ये पैसे मत ले। तू कौन होता है? मैं इसका दोस्त हूँ। बाद में ये पी लेना। ये ले शिवा। नहीं विजय, अरे ले। अरे खाना बेटा। पार्वती बजरा, ये यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। नहीं डैडी, ये मेरा दोस्त है। देखिए जी, ये एक अनाथ और बेसहारा बच्चा है, कहाँ जाएगा? मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे कहने पर मैंने इसके बाप को छुड़ाने की सिफारिश की थी और उसने हमारी ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की। अरे जब इसकी माँ इसके बाप के करतूतों को नहीं सह पाई और आत्महत्या कर ली, फिर तू तो। लेकिन जी बस करो पार्वती, एक मुजरिम के बेटे के लिए मैं अपनी इज्जत और अपने बेटे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। चले चल। मैं भी नहीं खाऊंगा। अभी चलना? हाँ तो चलना यार। विजय, क्या हुआ? अरे वही कुत्ते वाली। तो टायर, इतनी जल्दी? अच्छी है यार। अरे अच्छी नहीं है यार, 3 दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, कुत्ते छोड़ दी थी मेरे पीछे, भाग। अरे अरे भाग शिवा। ये हो क्या रहा है? हाँ पहले आप प्यार से बुलाती हैं, बाद में पीछे कुत्ता छोड़ देती हैं। तो मुझसे दोस्ती कर लीजिए ना,
फिर कुत्ते से भी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? क्या करूं? दिल तो पागल है। मगर हम आपके हैं कौन? हीरो नंबर वन? हाँ, मैं नहीं कहूँगा, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। लेकिन हम तो बनकर रहेंगे बीवी नंबर वन। देखिए देखिए, बॉर्डर क्रॉस मत कीजिए। हाँ, क्या करे, प्यार इश्क मोहब्बत में कहना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम सहना पड़ता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे कहना पड़ता है। अरे रे छोकरी, ब्रेक लगा नहीं तो हो जाएगी जंग। लेकिन उससे पहले मैं होता हूँ रफू चक्कर। नो वे, गो डॉगी, नो 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 डॉगी, नीचे, प्लीज प्लीज डॉगी, नो डॉगी, प्लीज डॉगी, प्लीज नो नो। ये डैम यू, ये देखो पानी में भीग गया। कम ऑन ब्रॉनी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कहा था ना उसे पानी में भिगाऊंगी, देखो भीग गया। निकालो शायद पैसे। पैसे? No one can beat you, हाँ? हाँ यार, you really lucky. Thank you. देख लूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। Come. Bye. ये साला विजय कहाँ भाग गया? La 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 la. आ गया, आ गया मेरा तूफान मेल। डैडी। बेटी। डैडी, 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 डैडी। You know what? आज मैं फिर शांत जीत गई। अरे कमाल हो गया, फिर तो आज जम के तोड़ फोड़ होगी। Of course, डैडी। ये ले बे, ये ले इसे तोड़। इसे मत छोड़। ये ले। इसे तोड़। अरे ये रह गया, ये रह गया। इसे ले, ले ले ले, उठा, उठा, फोड़, तोड़, 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 अब इसको। बस डैडी, बस अब मैं थक गई। थक गई? हाँ। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ और फ्रेश होकर वापस आओ, फिर जम कर तोड़ फोड़ करेंगे। यस डैडी। मुझे भी एक आदत सी पड़ गई, जब तक तोड़ फोड़ नहीं होती बेटी के हाथों से, तब तक मुझे भी चैन नहीं पड़ता। अरे पारो, धर्मपत्नी, तुम्हारे दादा, परदादा, तुम्हारा बाप म्युनिसिपैलिटी के तोड़फोड़ डिपार्टमेंट में काम करते थे क्या? या तुम्हारे बाप का नाम तोड़नार था? ये तोड़फोड़ के गुण हमारी बेटी में कहां से आ गए हैं? लेकिन जो भी हो, अच्छा लगता है। ये तोड़फोड़ से क्या है, घर में रौनक तो बनी रहती है। नहीं 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 नहीं, कौन है बे तू? दुश्मन, जान का भी माल का भी। जानता है हम कौन है? अब उन सिर्फ इतना जानता है कि टेम्पो में 5 करोड़ का माल है। 5 लाख दे जा और गेट पास ले जा। Hey! लगा फोन सूरज बान को और अपना हाल बता। चल। हेलो साहब, एक आदमी ने टेम्पो रोक लिया है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। किसकी मौत आई है, शेर के जबड़े से मांस छीन रहा है? मांस क्या सूरजबान, अपन चाहे तो तेरा जबड़ा उखाड़ ले, हलक में हाथ डाल के तेरा कलेजा निकाल ले, तेरे ठिकाने पहुंच के तुझे खलास कर डाले। सूरजबान के साथ इतनी बड़ी बात करने वाले की जिंदगी की लकीर सुकर कर बहुत छोटी हो जाती है बरखुरदार। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो तेरे 5 करोड़ के माल को 5 किलो का राख बना दूंगा, समझे? मेरे आदमी को फोन दो। जी साहब जी। इसकी शक्ल जरा ध्यान से देख लो और इसे 5 लाख रुपए दे दो। पैसों वाला बैग लेके आ। घर में कितनी तोड़फोड़ करती है। कमाल है, तेरी डैडी कुछ नहीं कहती तुझे। अरे यार क्या करूं, अगर मैं तोड़फोड़ ना करूं ना तो डैडी सैड हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं मूड में नहीं हूं। पिंकी, तू तो बड़ी लाडली बेटी है। क्या करूं, जब से भैया घर छोड़कर गए हैं डैडी का मेरे सिवा कोई है भी नहीं। यू नो हाउ इट इज।
शिट क्या हुआ? चलो चलो देखो तो। अरे गर्ल्स, ओह गॉड, लगता है ये तो मर गया। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हम लोग जब गाड़ी चला रहे थे तब। ए भाई, अरे पोटी, इसका दीन कर दी क्या? दफा 302 के तहत डायरेक्ट फांसी होती ना। क्या फांसी? हाँ, कसम हैदराबाद की चाय बना रखी। देखिए तो लटकी ना। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही कुछ ले दे के मामला निपटा दीजिए ना प्लीज। क्या लेती क्या देती? हाँ प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप ही कुछ कर सकते हैं। तू इतने प्यार से प्लीज बोलती तो मैं केस अभी खत्म करता। वो कैसे? तू मेरी एक रिक्वेस्ट मानती क्या? रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? तू मेरे को पप्पी देती क्या? पप्पी? औ पप्पी, मैं केस पे डालू मट्टी। दे दे पिंकी, वरना लफड़ा बढ़ जाएगा। अरे इतना क्या सोचती रहे, मैं तेरे से पप्पी मांगा, तेरा प्रॉपर्टी मांगा क्या? जल्दी से मुंडी लागे हूँ बोल, वरना अब भी एफआईआर बनाता है। हाँ, एक केस खत्म हुआ, दो केस खत्म हुए। तुम्हारे केस है कितने? पूरे 11, अभी तो 2 हुए। शुरू हो जा। तुम? ये तो शिवा। हाँ मैं। निकालो निकालो शर्त के पैसे, निकालो निकालो। क्या किसकी शर्त? उठ जा भाई जमुरे, उठ जा। एक शर्त तुमने जीती, एक शर्त हमने जीती, हिसाब बराबर। गुड बाय। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। शिवा, शिवा, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? तुम्हारा फोन आया था यार, तुम्हारे दोस्त विजय का पूना हाईवे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। What? जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। टैक्सी टैक्सी टैक्सी, चलो के पापा जी। पूना एक्सप्रेस हाईवे लीजिए। अरे पापा जी तेज चलाइए प्लीज। अरे और तेज चलाइए ना, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया वहां पर, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया यार। घायल तो हम भी हो चुके हैं। क्या मतलब? तो? जी हाँ मैं। स्टॉप द कार। अरे कार क्या, सांसें भी रोक दूं? पहले बोले वाला भी नहीं, कभी नहीं। ये बात है? हाँ ठीक है, अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। समझ लो आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये क्या पागलपन है पिंकी? प्यार का दूसरा नाम ही तो पागलपन है शिवा। बोलो आई लव यू। कभी नहीं। बोलो आई लव यू शिवा। बोला ना कभी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे भी जीने का कोई मकसद नहीं। अगर तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं तो मर सकती हूँ। What is this, huh? I love you. सच? Yes, I love you. एक बात कहूँ शिवा, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। पिंकी, ये कोई नई शर्त जीतने की कोशिश तो नहीं कर रही हो तुम? शिवा, मैंने बहुत शर्तें जीती हैं, लेकिन पहली बार अपना दिल आ रही हूँ। प्लीज से आई लव यू। आई लव यू शिवा। मैं चाहती हूँ तुम सारे कॉलेज के सामने कल खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का ऐलान करो। Why not? कल सुबह सारे कॉलेज के सामने मैं अपने प्यार का ऐलान करूंगा और सबको बता दूंगा हाउ मच आई लव यू। आज लास्ट डे है, क्या हुआ? मैंने कहा था ना एवरी डे ऑन अ संडे यार। शट अप।
माय एवरी डे इज अ संडे। चलो चलो, अरे पिंकी पहले शो तो करके दिखाओ यार। लो आ गया तुम्हारा शो। हाय शिवा। हाय पिंकी। तुम ठीक वक्त पर आए हो। अब मेरे फ्रेंड्स के सामने कहो आई लव यू। इनके सामने क्यों? पूरे कॉलेज के सामने कहता हूँ ना। सच सच। बुलाओ सबको ऑडिटोरियम में, वहीं अपनी दिल की बात कहूंगा। बाय। कम ऑन गर्ल्स, इट्स शो टाइम। शिवा, सब लोग आ चुके हैं, अब बोल भी दो ना। बोल दूं? दोस्तों, मैं अपनी दिल की बात किसी लड़की से कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे मुश्किल हो रही है, इसलिए मैंने वो बात इस पर्दे के पीछे लिख दी है। और मैं चाहता हूं पिंकी जाए और ये पर्दा हटाए, और आप सब लोग पढ़कर पिंकी को सुनाएं इस पर्दे के पीछे क्या लिखा है। पिंकी दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की है। दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली आज खुद बेवकूफ बन गई। चानी, अरे क्या बात है शिवा, मजा आ गया। अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता हर पल दिलों से खेलना। अच्छा नहीं होता हर पल दिलों से खेलना, हर कोई नहीं जानता हंस के दिल झेलना। कोई हम सभी है मिल जाता जो भी कर बैठता है बात। आया मजा नया, बेटी आ गई।
आ गई मेरी तूफान मेल, जो सामने आया वो गया। ये ले बेटी ये ले, ये वास तोड़, ये वास तोड़। अच्छा तो फिर ये ग्लास तोड़। अरे कुछ तो तोड़ बेटी, कुछ तो फोड़। अरे गुस्से में तू अपनी माँ पर गई है, घमंड में अपनी नानी पर गई है, और खर्चे पानी में अपने बाप पर गई है। क्या बात है बेटी, ये तो ये फोड़। ये झूमर नीचे करूं, झूमर बेटी बेटी। सुनो पिंकी मैम साहब के लिए 10-15 ग्लास जूस के ले जाओ, केले का जूस, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, सफरजन का जूस है, जाओ। अरे जाओ, ये जूस पीने के बाद शायद तोड़फोड़ शुरू हो जाए। भगवान। मैडम जूस। ये शुरू हो गई फिर तोड़ा फोड़ी। नॉर्मल हो गया, सब नॉर्मल हो गया। पहले ग्लास आया, फिर ट्रे आई, फिर ये गया, फिर वो आया। डैडी। ये लो बेटी, अगर अंदर सामान खत्म हो गया तो ये लो, चुन चुन कर लाया हूँ, तोड़ो फोड़ो मोड़ो जोड़ो। क्या बात है बेटी, आज हमारी बेटी के चेहरे पर इतना गुस्सा नजर क्यों आ रहा है? डैडी, शिवा ब्लडी हेल। शिवा कौन है वो और उसने क्या किया? उसने मेरा इंसल्ट किया है डैडी। हाँ, हमेशा की तरह तुमने शर्त लगाई होगी, वो शर्त तुम जीत गई होगी और वो हार गया होगा, इसलिए उसने तुम्हें। नो डैड, उसने आज मुझे शर्त में हरा दिया। क्या कहा? उसने तुम्हें शर्त में हरा दिया? उसने तुम्हें। आज तक मैं यही मानता था कि अगर कोई शेर है तो मेरी बेटी सवा शेर है, अगर कोई सवा शेर है तो मेरी बेटी ढाई शेर है, लेकिन ये पांच शेर कहाँ से निकला? माय फुट। फुट नहीं नहीं, 6 फुट का तो होगा, जो एक दिन आएगा और मेरी बेटी को डोली में बिठा कर ले जाएगा। मेरी डोली सजने से पहले मैं उसकी अर्थी उठा दूंगी। अरे उसकी अर्थी सजाने से पहले, तुम्हारी जेल जाने से पहले हमारी अर्थी पैसे तो दे दो। अभी देती, ये लो तुम्हारे शर्त के पैसे, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। इसे क्या हुआ? कॉलेज नहीं जाएगी? लगता है सीधे ससुराल जाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर तूने मिला ही दिया ना मेरी शेरनी को उस बब्बर शेर से। हेलो कौन? इसी श्रीवास्तव, बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे पर सूरजबान का हथियार वाला ट्रक जा रहा है, इससे पहले कि वो आपके पकड़ से बाहर निकल जाए पकड़ लो उसे। मगर तू है कौन? दुश्मन, जान का भी माल का भी। मेरे इलाके में मुझे धमकाने वाला ये कौन हो सकता है? हेलो कौन? दुश्मन, जान का भी माल का भी। अब उन खबर दिया तेरे को, लेकिन फिर भी तू बेखबर रहा, कोई बात नहीं, ले धमाके की आवाज सुन। क्या मेरे 5 करोड़ का माल जला दिया? जीजा जी, आपका माल तो क्या, आप तो मुझे खुद जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अपनी बकवास बंद कर, एक तो मैं इतना परेशान हूँ। क्या मैं कम परेशान हूँ? आपके भरोसे धुलिया यहाँ आया और आपके लिए खुद धुल के काला पड़ गया। अपनी जबान बंद कर। जीजा जी, मुझे तो लग रहा है कि कोई आपकी सड़ेली दुकान बंद कर रहा है। कौन है वो जिसने मेरे 5 लाख रुपए भी ले लिए और मेरा 5 करोड़ का माल भी चला दिया? कौन है वो? हो दुश्मनों की जान का दुश्मन, दोस्तों की जान हूँ मैं। कुछ कह ले कोई, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ मैं। ओए कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, ओए कुछ कर ले, कुछ कर ले, पर एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए।
भी कर ले, ओए कुछ कर ले कुछ कर ले, पर एक हिंदुस्तानी से कोई ना समझे समझे दिल दीवाना, दिल अपना दिलदार जान ले, करता सबसे प्यार मान ले, दिल की बात कोई ना समझे समझे दिल दीवाना। ओए मैं जानू मेरा रब जाने, ओए मैं जानू मेरा रब जाने, पुरजोर जवानी से ना कहना, कब तक तीर बदल जाए प्यारे इसका नहीं ठिकाना। हंसते हंसते सब कुछ सहना, मगर किसी से कुछ ना कहना, कब तक तीर बदल जाए प्यारे इसका नहीं ठिकाना। ओए खुश रहना हर गम सहना, ओए खुश रह के हर गम सहना, तकदीर दीवानी से पंगा ना ले ना ले ना ले, पंगा ना ले ओए। रहेंगे मिलने वाले कुछ भी करे जमाना, सच्चे प्यार को कोई ना रोके, कोई प्रेमियों को ना टोके, मिलके रहेंगे मिलने वाले कुछ भी करे जमाना। ओए ना छेड़ो ना ना छेड़ो, ओए ना छेड़ो ना छेड़ो किसी की प्रेम कहानी से पंगा ना ले ना ले ना ले, पंगा ना ले ओए, पंगा ना ले ना ले ना ले, पंगा ना ले ओए। हाय गर्ल्स, आज तुम्हारी वो शर्त लगाने वाली नक्चरी सैली है किधर? शिवा, तुमने उसकी इतनी इंसल्ट की कि वो अब कभी कॉलेज नहीं आएगी। क्या? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं पिंकी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम शिवा है। शिवा! अरे शिवा आ गया, दामू शामू रामू, जल्दी से आओ, शिवा आ गया। सर सर शिवा आ गया। देखता हूँ, पहले सोचने दो दो, शुरुआत कहाँ से करूँ। अरे जल्दी से आओ और पूरी तैयारी के साथ आना। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है, तुम कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते। हो गया ना सर? बताता हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सर देखिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं माफी मांगने आया था यहाँ पे। माफी वाफी कुछ नहीं, पहले मिठाई ला, मिठाई ला, मुँह खोलो। एक और। सर आपने घर के नियम बता दीजिए,
आप खाना खिला के मारते हैं कि मार के खिलाते हैं? तसल्ली रखो, सब पता चल जाएगा। अभी तो आए हो यार, जाने से पहले सब पता चल जाएगा। सर वो ये हुआ यू। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन इतनी देर के बाद क्यों हुआ, जल्दी क्यों नहीं हुआ? सर मैं आपकी बेटी से माफी मांगने आया था यहाँ पर। माफी माफी कुछ नहीं भैया, चलो निकलो निकलो निकलो, तुम यहाँ आओ और यहाँ पे बैठो 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 बैठो। दरअसल मैं कॉलेज आने वाला था तुम्हें थैंक यू कहने के लिए। अरे मुझे यकीन हो गया है, भगवान ने तुम्हें मेरी बेटी के लिए ही बनाया है। बनाया? मुझे बनाया? हाँ। पिंकी कहाँ है? अब मेरी जब सनक जाती है ना तो मैं बाहर जाकर बैठ जाता हूँ, और उसकी जब सनक जाती है तब वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। कहाँ? वहाँ। कहाँ? अरे वहाँ। भगवान तुम्हें मालूम है मैं कभी हारती नहीं, मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन शिवा ने आज मुझ जैसी लड़की को हरा दिया है और इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने उसे शक्ति दी है। तुम्हें तो मालूम है भगवान, वही लड़का मेरा बन सकता है जो मुझे काबू कर सके। इसलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर शिवा सचमुच मुझसे कहे कि वो मुझे प्यार करता है, तो तुम्हारी कसम भगवान, मेरा सारा प्यार उसी के लिए होगा। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता हूं। थोड़ा सा प्यार दे दे।
हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अरे अरे यार, आजकल मोबाइल पर भी गलत नंबर लग जाता है, इसलिए कंफर्म तो कर लेना चाहिए ना भाई। कौन है आप? दुश्मन, जान का भी माल का भी। हेलो सर, नमस्ते, आपका खादिम बोल रहा हूँ सर। आप जो जीजा जी को फोन लगा रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। लगे रहो गुरु, लगे रहो, मैं आपको अंदर की खबर देता रहूंगा। आप ना पहले जीजा जी का माल लूटो, साले को कंगाल कर दो। क्या है ना, माल वाल लूट जाता है तो वैसे ही आदमी की जान आधी रह जाती है। लेकिन तुम्हें अपनी जीजा जी से इतनी नफरत क्यों? नफरत क्योंकि मेरी दीदी की हत्या की थी उस हरामजादे ने, और केस बनाया था आत्महत्या का। थूकता हूँ इस पर। अब तुम्हारे हाथों लुट लुट कर लुच कर ये खड़ूस करेगा आत्महत्या, और पुलिस समझेगी गैंग वार में हो गई हत्या। मैं भी बचा, तुम भी बचे, साला जीजा ना बचा। नहीं बचेगा वो, क्योंकि इसका अंत मेरे हाथों की लकीरों में लिखा है। लकीरों पे लिखा है? तो फिर लिखा पड़ी काम जल्दी खत्म कर लीजिए ना भैया। और कितना टाइम लग जाएगा? एक सप्ताह ले लीजिए, दो सप्ताह पूरा कर लीजिए, एक महीने में तो हो जाएगा ना। ठीक है, मैं तुम्हारी अगली इन्फॉर्मेशन का इंतजार करूंगा। थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू सर। जीजा जी, तेरा ऐसा मटिया मेट करूंगा कि हर बहन को अपने भाई पर गर्व होगा। कुछ सोचिए सर। तो वर्षों के बाद बस्ती की धूल में एक और शंकर पैदा हो गया है। हाँ सर, जोसेफ कह रहा कि वो अपने बेटे पिंटो के लिए एक ऑटो रिक्शा खरीद कर दे रहा है। अरे जीजा जी, मैं तो कब से बोल रहा हूँ मेरे लिए रिक्शा खरीद डाल दो। देखो, जोसेफ पिंटो के लिए रिक्शा खरीद रहा है ना, कुछ सोचो, कुछ सीखो मेरी जान। चुप रहा कर। लस्सी पियो जीजा जी, लस्सी पियो। दीदी ने कहा था दिमाग ठंडा रखने के लिए लस्सी पियो, नहीं तो नारियल फट जाएगा। तो दीदी की कब्र पे डाल दे जाके। सर, अगर आज बस्ती का एक छोकरा हमारे साथ काम करने से इनकार कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि कल को सारी बस्ती हमारे हाथ से निकल जाए। जीजा जी बहुत सोच रहे, दारू बनाओ क्या? नहीं नहीं, आप दिन में मत पीजिए, नहीं तो अच्छा सोचने लगेंगे। गुरबचन जी, कल अमावस की रात है ना? जी। तो बस्ती में ऐसे पटाखों की रोशनी का इंतजाम करो कि सारी बस्ती सहम जाए। और उसके बाद जोसेफ अपने पिंटो के लिए ऑटो तो क्या, उसकी तस्वीर भी रखने की हिम्मत ना कर सके। अरे जीजा जी, हमेशा बुरा ही सोचते हैं क्या? साले की इज्जत करो। जॉन, ए जॉन। यस अंकल। पिंटो को देखा क्या? नहीं देखा अंकल। पता नहीं ये लड़का अक्खा रात किधर घूमता रहता है, अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये आजकल का बच्चा लोग को माँ बाप का कोई फिक्र नहीं रहता है, बोल बोल के थक गया। बेटा टाइम पे घर आ जाए, कर घर नहीं आता तो बाप को नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं, बस अपने हिसाब से जिंदगी जीने का है। इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे बम फट गया। ये सब बेटा, गॉड ने हमको बुरा काम करने का पनिशमेंट दिया। नहीं, 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 तुमको कुछ नहीं होगा डैड, कुछ नहीं होगा तुमको। हम तुमको हॉस्पिटल लेके जाएगा। चलो चलो चलो। कोई जरूरत नहीं है, तुम खाली हमको एक प्रॉमिस करो। हाँ डैड। क्या हो? हटो अंकल। डैड माय सन, तुम हमारा लाइन पे चल के हमारे माफिक नहीं मरेगा। अंकल प्रॉमिस करता, तुम शिवा के माफिक शरीफ आदमी बनेगा, प्रॉमिस करो मैं सुन। आज से अपन बुरा लाइन छोड़ देंगे, अपन शिवा के माफिक अच्छा आदमी बनेगा डैड। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस डैड। डैड अरे जल्दी कर, दूसरा ट्रक भी खाली करना है। अरे वो उठाओ उसे। अरे देख स्माइल, संभाल के जरा, कांच है। ए जल्दी करो। अरे ओ पिंटो, इधर तू काम पे क्यों नहीं आ रहा बे? अभी अपन ये खोटा काम नहीं करेगा बस। तेरा तो बाप भी करेगा शाने। अरे वॉइस तो रोक के गैला है अपन को, अपना ये सब खोटे काम से फाइनल है, नहीं करेगा। सुन, नहीं करेगा, करेगा।
देख बच्चन, अपन तेरे मुंह नहीं लगना मांगता। अरे मेरे मुंह नहीं लगेगा तो किसके मुंह लगेगा? साले काम नहीं करेगा तो पैसा कैसा कमाएगा? जाने दे। अरे मार मार के हड्डी तोड़ देगा तेरी। ए, पकड़ो साले को। मार मार के हड्डी पकड़ी तोड़ दो इसकी। ए, क्यों मारे उसे? देख, कोठे वाली का धंधा और हमारा धंधा एक है, जिसमें एक बार आ गया तो निकल नहीं सकता। और ये पिंटो? मगर पिंटो निकलेगा। चल पिंटो। ए, छोड़ इसको और पतली गली पकड़ के निकल जा, समझा क्या? चल चले शाने, अबे चल रे। घूर क्या रहे बे? बारा, क्या हुआ? शिव अपने आदमी को मार रहा है। क्या? ए कलीम, क्या हुआ? चलो उठो अपने अपने हथियार सब, चलो। कहाँ वो? वो रहा भाई। सूरजबान साहब, आपने मुझे याद किया सर। श्रीवास्तव, जिंदगी भर तुझे खिलाया हुआ नमक आज तेरे बेटे की रगों में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरे बेटे और शिवा की इतनी हिम्मत के मेरे आदमियों पर हाथ उठाए, मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं सूरजबान साहब, विजय मेरी इकलौती औलाद है। हमारा धंधा हमें औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। समझ लो तुम्हारा बेटा और शिवा दोनों भगवान को प्यारे हो गए। नहीं नहीं सूरजबान साहब, एक बार आखिरी बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आइंदा वो आपके आड़े कभी नहीं आएगा। ये बाप का वादा है। जय श्रीवास्तव, तेरे बेटे की जिंदगी बख्श दी मैंने, पर उसके बदले में मुझे शिवा की जिंदगी चाहिए। सूरजबान साहब, कल मेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग पर जा रहा है, उसके जाने के बाद शिवा इस शहर में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मुझे सिर्फ उसकी लाश देखनी है। मैं कह रहा था ना हम लेट हो जाएंगे, अब कहाँ मिलेगा ये? लेकिन है कहाँ तुम्हारा दोस्त? अरे विजय! अरे शिवा! क्या? कैसा यार? सॉरी यार मैं लेट हो गया। अरे यार मैं भी तो कितना लेट हुआ हूँ। हाँ बाय द वे, मीट माय फ्रेंड पिंकी, कुत्ते वाली। हाँ सॉरी, ये वही है ना जैसे कॉलेज में तू अक्सर तंग किया करता था? अबे इसने भी तो मेरा जीना हराम कर रखा था यार। हाँ हाँ, और आजकल इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है, राइट? या यू सो राइट। अबे साले जबान संभाल के, ये तेरी होने वाली भाभी है। अच्छा होने वाली भाभी जी, मैं पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त, अब आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इसका पूरा पूरा ख्याल रखना प्लीज। Don't worry, I'll take care of you. Thank you, होने वाली भाभी। अभी तो चल, तेरी बस जाने वाली है। हाँ, बहुत लेट हो गया हूँ। Very nice meeting you.
सेम है। चल 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 चल। पिंकी चलो। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। चलें? चलो। है पिंटो कहां से आ रहा है? इधर आ। अंदर क्यों हुआ? अंदर अंदर कर बड़ा। वो मुझे मारना चाहता है, प्लीज मुझे बचा। चलाइट। क्या रे क्या इनकलाब करता है? वो पुलिस वाला मुझे मारना चाहता है, पुलिस वाला मुझे बचाओ। तो क्या करूं? मुझे अंदर आने दो। अरे चल, अरे चल निकल यहां से। इंस्पेक्टर थापर को। क्या बक रहे हो तुम? अरे मेरी आंखों के सामने थापर ने पिंटू को गोली मार दी बाबूजी, मेरे आंखों के सामने। साले कुत्ते पिंटू का खून करके भाग रहे थे, वो भी थापर की आंखों के सामने। ये क्या बोला बाबूजी? पिंटू को गोली इसने मारी है। चल आप, मैं पिंटू के कातिलों को गिरफ्तार करके लाया हूँ। अबे झूठ क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलता थापर? तूने मारा पिंटू को, तूने बोल, तूने मारा है बाबूजी। आप मुझे मार रहे हो? पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है, उसका इंसल्ट करता है। थापड़ के हाथ का चापड़ खाएगा तो थोपड़े का नक्शा बदल जाएगा।
ये धापड़ का जापड़ है हराम घोर। इसे उठाकर बाहर कहीं फेंक दो। यस सर। कौन है बे? तो दुश्मन, जान का भी माल का भी। बार इस घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। क्या आप क्या अपने किस हाल में होंगे? जाना मत भैया, मैं डैडी को बुलाती हूँ। पिंकी, नहीं, मुझे मिलकर उन्हें कोई खुशी नहीं होगी। और गम मैं उन्हें देना नहीं चाहता। बहुत ऊंची दीवार है हम दोनों के बीच, असूलों की दीवार, विचारों की दीवार। हम दोनों को भूल जाओ, इसे बचाने की सोचो। शिवा, भैया क्या हुआ शिवा को? किसने मारा इसे? उन्होंने जिनकी मौत आई थी, आज मैं उन्हें अधमरा छोड़कर आया हूं। अगली बार चिता चला कराऊंगा, तो फिक्र मत कर, तेरे प्यार पर आंच भी नहीं आने दूंगा। ये एक भाई का वादा है। सवेरे
मिला के तुमने दिल में किया बसेरा। बसेरा दिल ने मेरे कहा कि दिल भर हंसी है तेरा। प्यार की बातें दिन और रातें होती है दीवानी। लगता है अपनी भी बन जाएगी प्रेम कहानी। प्रीत हमारी प्यार से प्यारी कैसे जमाना समझेगा। जी कहता है मैं ना करूं काम कोई आज तो बैठे रहो बातें करो बस मेरे साथ। सुबह सवेरे देखा तुमको अब दिन कैसे गुजरेगा। सब समझा इशारा भीगी हवा के झोंके का। ये कहता है मैं ना करूं काम कोई आज तो बैठे रहो बातें करो बस मेरे साथ। पिंकी अभी तक के सारे पेपर बहुत अच्छे गए। आज आखिरी पेपर भी अच्छा ही जाएगा। तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास निश्चित है। विजय ये सुनकर कितना खुश होगा है ना। जाना हाँ भूल भी कैसे सकते हो। बड़े जल्दी घाव भर गए तेरे हाँ? फिर से पहले की तरह टिकने लगा टिकने। बेटे तू सोच रहा होगा कि इंस्पेक्टर थापर ने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। ऊपर वाले से दुआ मांग ऊपर वाले से जिसने मुझसे तुझे बचा लिया। अब कौन बचाएगा तुझे। नहीं शिवा शिवा छोड़ दो उसे छोड़ दो शिवा। अच्छा बिजे शिवा क्या उस दो कौड़ी के लौंडे की ये मजाल। अब मैं उसे मिटाकर ही दम लूंगा। हेलो शिवा को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना श्रीवास्तव। शिवा की तरफदारी करने वाला तू है कौन। दुश्मन चैन का भी माल का भी। तो तू है जान और माल का लुटेरा। कौन लगता है वो तेरा। शिवा से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है श्रीवास्तव। शिवा के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता हो एक बात कान खोलकर सुन ले। बहुत जल्द मैं तुम्हें कानून के जूते तले मसल कर रख दूंगा।
आज तक वो जानवर ही पैदा नहीं हुआ जिसके चमड़े से मुझे मसला चाहे श्रीवास्तव। शिवा से दूर ही रहना श्रीवास्तव। बाबूजी आप लगता है तुम्हारे हाथ कुछ लंबे हो गए हैं। उस दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थापर के गिरेबान में तुमने हाथ डाल दिया, आज तुम्हारे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बाबूजी। शट अप! तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने आप को समझते क्या हो? पुलिस पर हाथ उठाओगे तुम? सरेआम पुलिस की खाकी वर्दी फाड़ोगे तुम? ये क्या कर दिया बाबूजी? मेरा आंसर पेपर था बाबूजी। पहले पुलिस स्टेशन में चल के एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का जवाब दो और फिर यहाँ आके जवाब लिखना। चल। कहाँ है? ओरा सामने। शिवा। इंगी तुम यहाँ? शिवा मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आई हूँ और तुम्हें आजाद करवाए बिना हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। विजय ने मुझे क्या बनाना चाहा और इन कानून वालों ने मुझे क्या बना दिया? हिम्मत मत हारो शिवा। इनकी तुम इन पुलिस वालों को नहीं जानती। अपनी पाप की गठरी किसी बेगुनाह के सर पर रखकर उस पर कानून की मोहर लगा देते हैं। मैं विजय को फोन करके बताती हूँ कि तुम्हें इनकी। नहीं पिंकी नहीं, विजय आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए गया है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। उसे अगर ये पता चलेगा कि मैं आऊं तो वो सब कुछ छोड़ के चला आएगा। शिवा विजय के आने से पहले मैं तुम्हें हर हाल में छुड़ा लूंगी। ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ होती। मैं जानता हूँ पिंकी, तुम्हारे और विजय के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अपना ख्याल रखना। अरे ओ नामुराद आशिक, अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए काय को इस मासूम की जवानी मिटाना चाहता है रे? क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, आइंदा देखो नहीं ये लड़की तेरे को मिलने इधर आई है, समझा? क्यों? वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर की बात करता है? मंगलसूत्र वाली पत्नी, धर्म निभाने वाली धर्म पत्नी बर्बाद हुई है यहाँ। अरे साहब के सामने रोई गिड़गिड़ाई, मजबूरी में सौदा किया, जेल का दरवाजा खोलने के लिए ब्लाउज के बटन खोलने का, कानून तोड़ने के लिए मंगल सूत्र तोड़ने का। अबे तू तो अभी अभी अंडे से बाहर निकला, तेरे को कानून वानून क्या मालूम है? वो भी धर्मपत्नी थी, इज्जत गवा बैठी, फिर भी अपने पति शंकर की जान नहीं बचा सकी, गोली मार दी गई उसको गोली, और खुद भी आत्महत्या कर ली। किस्सा खत्म। ये दो आंखें गवाह है, ये दो आंखें, दो लाशें इधर अंदर सामने लावारिस की तरह पड़ी थी। एक एफआईआर बना। क्या बना? जेल तोड़कर भाग रहे थे, इनकाउंटर में मारे गए। शंकर का बेटा चौकी के आंगन में अपने मां बाप का इंतजार कर रहा था, अभी आएंगे। अरे काई के आते, कानून अंदर अपना खेल खेल चुका था। वो साला आज का डीसीपी श्रीवास्तव कमीना, वो हलकट हरामी थापर, दोनों ने मिलकर शंकर की बीवी की इज्जत लूटी थी। अबे तेरे को क्या हो गया? तू काय को अपना सर फोड़ रेला है? इसलिए क्योंकि मैं ही शंकर का वो बदनसीब बेटा हूं। शिवा क्या बोला? तू नहीं का बेटा है? ईमान से अबे तो तू अपना सर क्यों फोड़ रेला है? फाड़ दे उन सबको, अभी नहीं फाड़ेगा तो फिर कब फाड़ेगा? शिवा को हमने गिरफ्तार कर लिया है, आज रात को पुलिस एनकाउंटर में उसको मार देंगे। गुड। पीने के लिए ए, क्या बोला? नहीं, क्या अरे बोला? नहीं, ये मेरे घर का जोकर नंबर वन है, ये कुली नंबर वन है। श्रीवास्तव काम की बात सुनो, डॉक में मेरा जहाज खड़ा है और गेहूं की गोनिया में विदेशी हथियार आ चुके हैं, और हमेशा की तरह पुलिस वैन में उन हथियारों को डॉक से गोदाम तक पहुंचाना तो तुम्हारा काम है।
सूरजभान साहब आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? है कि मैं और थापर इस काम का कुछ दाम बढ़ाना चाहते हैं। अरे जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक बड़ा दो पाव और एक कप चाय टिका हुआ हूँ। जब नाश्ते में मेरा एक बड़ा से दो बड़ा नहीं हुआ तो आपका दाम कैसे बढ़ेगा? जरा सोचिए और जीजा जी के वजन में रहिए। चुप रहो तुम। हम चुप हैं श्रीवास्तव, मैं ईमानदारी से अपने फायदे में से तुम्हें और थापर को 10% देता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सूरजबान साहब, वो 10% में से 5% तो थापर खा जाता है। कितने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ये कमीशन अगर 20% हो जाए तो। क्या कहा तुमने? देखिए सर, सरकार भी गैर कानूनी माल पकड़वाने का 20% देती है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इतनी मजाल के तुम मुझसे पैसे डिमांड करो? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। अरे भूल गए क्या, सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक किया करते थे, फुटपाथ पर खटिया लगाकर सोते थे तुम। मैंने तुम्हें वहां से उठाया, पुलिस में भर्ती करवाया, सौदे तक पहुंचा रहा, आज तुम मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हो? श्रीवास्तव, सूरजभान अगर किसी को बनाना जानता है तो उसे मिटाना भी जानता है। अरे नहीं नहीं सरकार, आप जितना भी दे देंगे हम हाथ जोड़कर ले लेंगे। आई एम वेरी सॉरी सर। देखिए आपके हथियार आपके गोदाम में आज रात तक पहुंच जाएंगे। अरे ये हुई ना बात, लीजिए पैक दीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए। आपके लिए लस्सी लाता हूं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। साले की इज्जत करो। सर मजा आ गया, गोदाम में हथियार पहुंचाकर हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। आइए। और वो लोग ध्यान भी नहीं पाएंगे कि हम लोगों ने। सर लगता है क्राइम ब्रांच वाले हैं। सर जरा संभल। डीसीपी श्रीवास्तव, हम लोग आप ही के इंतजार कर रहे थे। हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से आए हैं। हमें खबर मिली है कि मुंबई में बहुत भारी मात्रा में विदेश से हथियार आए हुए हैं। नो नो सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सर। ये खबर 100% सही है। सर किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर? एक्सक्यूज मी सर। हेलो दुश्मन, जान का भी माल का भी। अबे श्रीवास्तव, बोला था ना तेरे को शिवा को हाथ मत लगाना, और तू आज रात उसे एनकाउंटर में मारना चाहता है। मगर उसे मारने से पहले मैं तुझे बिना मौत ही मार डालूंगा। देखिए मेरी 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 कोई बुरी खबर? नो 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 सर, कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं सूरजबान का हथियार कहां रखे हुए हैं, वर्ली के नेशनल गोडाउन नंबर 8 में। मेरी मेरी बात सुनिए। अब तेरा फोन बंद होते ही तेरे सामने वाले अफसर का फोन बजेगा, फिर उसके बाद तेरी सारी चर्बी घी की तरह पिघल जाएगी। मेरी प्लीज मेरी हेलो, कौन? वो सारा हथियार पर्ली के नेशनल गोडाउन नंबर 8 में रखा हुआ है। ओके ओके थैंक यू, हथियार को पता चल गया है, वर्ली नेशनल गोडाउन नंबर 8 में। चाहिए आप लोग उड़े डालिए। अरे आप भी जाइए साथ में, आप लोग क्यों खड़े हैं? जी जी सर। हेलो, डीसीपी श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर सारे हथियार गोडाउन से खाली कर दो। अरे क्या लफड़ा लगाया है साहब, अभी तो मुश्किल से 3 घंटे में पूरा माल अनलोड किया है और आप बोल रहे हैं कि अभी 10 मिनट में खाली करो। अरे मेरी बात सुन, कुछ भी करके 10 मिनट के अंदर अंदर गोडाउन खाली कर, स्पेशल रेड पड़ने वाली है।
संभल के। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग उधर देखो। सर, सारा माल तो गुल है। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये माल गया कहाँ। सर, कहीं टपरी लोगों ने बेच तो नहीं दिया। क्या बकता है तू, मुर्दे भी माल बेच सकते क्या? हाँ। सूरज भान तुम्हारी और मेरी वो हालत कर देगा जो सिग्नल पर खड़े भिखारी की हो। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? सर देखिए ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और फिर ये लाशें? मुझे लगता है कि इसका एफआईआर करना पड़ेगा। यस सर, तहकीकत करने पर मालूम पड़ेगा कि मामला क्या है। अरे नहीं जीताजी, नहीं जीताजी, फोन मत उठाइए। क्यों, तेरा फोन? नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए खतरे घंटी है। क्या बकवास कर रहा है, तेरी बहन तो मर गई और भला मेरे सर छोड़ गई है। अरे रोना किसी बात का है कि सर पर नहीं छोड़ गई, वरना अभी तक आपको गंजा करके छोड़ देता। अरे यार क्या नमूना है तू, आपसे ज्यादा नहीं हूँ। लस्सी लाओ। हेलो सूरजबान, डीसीपी श्रीवास्तव ने तेरा माल पकड़वा कर पब्लिक में नाम भी कमा लिया और 20% माल भी कमा लिया। क्या वक्त है तू, इवनिंग न्यूज पढ़ लेना। जीजा जी, अब ये पुलिस वाला तो आपका दुश्मन बन गया है। यानी आपने 10% नहीं बढ़ाया तो उसने आपके हथियार पकड़वा कर 20% कमा लिए। यानी एक नागना दूसरे सांपना। अब मैं जहर को जहर से मारूंगा। जिसके दिलो दिमाग में बचपन से ही पुलिस वालों के लिए नफरत का जहर पल रहा है, अब वो जहर मैं थापर और श्रीवास्तव की जिंदगी में घोल दूंगा। कौन सा जहर, कौन है वो? शिवा। देखिए सूरजबान साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए सर। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है श्रीवास्तव, अब मैं तुम्हारा खून करूंगा। यू आर डेड श्रीवास्तव। नहीं नहीं, देखिए सूरजबान साहब, मुझे गलत मत समझिए, ये काम उसी आदमी का है जिसने आपसे 5,00,000 रुपए लिए थे और आपका 5 करोड़ का माल जला भी दिया था। मुझे कुछ नहीं सुना श्रीवास्तव, मेरा नुकसान हुआ और भी करोड़ों का, और मैंने तुझे 20% कमीशन देने से इनकार कर दिया और तूने मुझसे गद्दारी कर ली, मुझसे? नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, मैं गद्दार नहीं हूँ, हमेशा आपका हुक्म माना है मैंने। अरे साहब, आपके कहने पर मैंने कितनों को पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। भूल गए सर, उस पिंटो को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ही मरवा दिया, और उस बस्ती से आपका बम बारूद, सब कुछ मेरे कहने पर ही तो पास होता रहे आज तक। आपके कहने पर शंकर को भी मैंने ही मार डाला, और उसके बेटे शिवा को बिना किसी कसूर के केस बनाकर सीधा जेल की दीवारों में ठोस दिया। शंकर की पत्नी को भी मार डाला, और सर मैं बताता हूँ, आज रात को एनकाउंटर में उसको भी उड़ा देंगे। चुप रह, अब तू शिवा को नहीं मारेगा, समझा? शिवा के माँ बाप के कातिल तुम हो, उनकी हत्या तुमने की है। आने दो मेरे बेटे को, गिरफ्तार करवाऊंगी तुम्हें। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जाएगी? हाँ, मैं उस बेरहम आदमी के खिलाफ जाऊंगी जिसने न जाने कितने गरीबों के घर उजाड़े होंगे, मेरे शिवा का बचपन जलाया और आज उसे मारने जा रहे हो। मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगी। अच्छा, तू मुझे सजा दिलाएगी? तू मुझे सजा दिलाएगी? तू मुझे सजा दिलाएगी? तू मुझे सजा दिलाएगी? सजा दिलाएगी मुझे? पार्वती, इतनी रात को किस लिए बुलाया सर? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे हाथों मेरी पत्नी का खून हो गया है। क्या, कैसे? टेबल से टकरा कर वो पड़ी है। हाँ? Oh my God. अरे यार कुछ मदद कर यार थापर। कुछ तो कर। सर बेफिकर, थापर के होते ही, डोंट वरी। एक काम करेंगे, हम आपकी बीवी की लाश को किसी सड़क के किनारे फेंक देंगे और FIR बना देंगे कि सड़क क्रॉस कर रही थी और ट्रक उड़ा के चली गई।
कौन है मैं? दुश्मन, चैन का भी माल का भी। क्यों मारा? कानून वाला होकर कानून तोड़ा, ये था पड़े इसलिए। खाकी वर्दी पहन के कसम खाक में मिला दी, ये थप्पड़ इसलिए। बस बस बस, इतना तो मुझे स्कूल मास्टर ने भी नहीं मारा। इसलिए तो तू इतना बिगड़ गया। ये थप्पड़ तेरे सुधरने के लिए। पता ये खून किसने किया? पता था, माना नहीं। ये खून श्रीवास्तव साहब ने किया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं जाऊं प्लीज? जाता हूं। शिवा, ये क्या किया तूने? शिवा, जिस राह पे कभी ना चलने का वादा किया था तूने, मेरे यहां से जाते ही उसी का हो गया। भूल गया उन सपनों को पूरा करना जो मैंने देखे थे? अरे जिस नाम की डिग्रियां होनी चाहिए थी, उस नाम की फाइल बना दी तूने, शिवा के गुनाहों की फाइल। मेरे गुनाहों की फाइल तो तुम्हारे हाथ लग गई विजय, पर क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मेरी मां की इज्जत लूटने की एफआईआर लिखी है? क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मेरे बाप को गोली मार देने की एफआईआर लिखी है? क्या तुम मुझे वो फाइल दिखा सकते हो जिसमें मुझे मार मार कर लहूलुहान करके एक सुनसान सी सड़क पर लावारिश लाश की तरह फेंक दिया गया था? क्या मुझे फाइल दिखा सकते हो जिसमें मुझे एग्जामिनेशन हॉल से उठाकर इन सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया? देख शिवा, अगर ये सच है तो वो फाइल मैं बनाऊंगा। मैं दिलाऊंगा उन सबको सजा जिन्होंने इसकी कोई जरूरत नहीं है। विजय, अब तो तुम भी उसी बरादरी में शामिल हो गए हो, और मुझे किसी पुलिस वाले की ना तो हमदर्दी चाहिए और ना दया। जिस वर्दी ने मेरा जीवन नष्ट किया है, उस वर्दी से अब मैं खुद इंतकाम लूंगा। देख शिवा, मन में बदले की भावना लेकर इंसान जीता नहीं, मर जाता है। मेरे यहां मरा तो उस दिन था विजय, जिस दिन मेरे मां बाप की चिता जली थी। आज के बाद तो मैं जीऊंगा, और जिन्होंने मेरे जीने का हक छीना है उन्हें जीने नहीं दूंगा। नहीं शिवा, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगा जिससे तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। शिवा, तुम्हारी जमानत हो गई है। आओ शिवा। जानती हो शिवा, तुम्हारी आंखों में दहकती हुई बदले की आंखों देखकर ही मैंने तुम्हें चुना। आज से तुम हमारे हो गए। बस्ती में मैंने तुम्हारे लिए बंगला खाली करवा दिया है। और हां, ये रही उसकी चाबी, और यह है गाड़ी की चाबी। शिवा, आज से सिर्फ तुम हमारे लिए काम करोगे। नहीं सूरज खान, पहले मुझे मेरा मकसद पूरा करना है, उसके बाद मौत तक शिवा की सारी सांसें तुम्हारे नाम। लगता है तुम्हारा मकसद बड़ा खतरनाक है। शिवा, चाहो तो अपनी सुरक्षा के लिए मेरे कुछ आदमी ले सकते हो। कमजोर लोग कुत्तों को शिकार पे लेके जाते हैं सूरज भान, शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। I like it. अरे दीदा जी, वो तो आपको कुत्ता बना के चला गया, अब तुम हिलाते रहिए लाइफ टाइम। अरे मैं उसे बहुत जल्द भीगी बिल्ली बना दूंगा। जिस तरह मैंने थापर और श्रीवास्तव को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी सल्तनत बनाई है, अच्छा ठीक उसी तरह शिवा को मैं उन दोनों के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि शिवा का मकसद है उन दोनों को खत्म करना। हाँ। और मेरा मकसद है कांटे से कांटा निकालना। लेकिन जीजा जी, कहीं ये कांटा आपके गले में ना अटक जाए, सोचो जरा। आई एम द बेस्ट।
पिंकी, तू यहाँ? यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ भैया। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे शिवा को बचा लीजिए भैया, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैं जानता हूँ, उसके कदम भाग गए, वो दुनिया के उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ जिंदगी का अंत होता है पिस्तौल की गोली पर। लेकिन तू घबरा मत, शिवा के हाथों कोई गुनाह नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने तुझसे वादा किया था, तेरा प्यार मैं तुझे वापस दिलाकर आऊंगा। कौन है आप और इस तरह रास्ता रोकने का क्या मतलब है? गलत रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारे अपने रास्ता तो जरूर रोकेंगे। मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। पिंकी भी नहीं, वो मेरी बहन है। क्या? अगर तुम उसकी जिंदगी ना होते तो इस दुनिया में ना होते। इन्हीं कंधों पर उठाकर मैं तुम्हें अपने बहन के घर ले गया था। उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था, आज रोकने आया हूं। जुल्म की आग से मत खेलो, जल जाओगे। मेरी मंजिल श्रीवास्तव और थापर की जलती हुई चिताएं, और मैं आग का ये खेल खेल के रहूंगा। ये मत भूलना कि इस खेल में जलने वाले के साथ साथ चलाने वाला भी जल जाता है। श्रीवास्तव और थापर को खत्म करने के बाद मैं जीना ही नहीं चाहता। और जो तुम्हारे लिए जी रही है? इस वक्त मुझे मेरे इंतकाम के सिवा और कुछ याद नहीं। इंतकाम के खातिर नहीं, एक दिन इंसानियत के खातिर मैं भी जुनून में आकर सब कुछ भूल गया था। हटो। कोई एक ग्लास पानी ले आओ, जल्दी जल्दी। क्या बोला रे? अरे किसको बोला? क्या बोला रे? अरे उनको लगाओ। क्या बोला? क्या बोला? खून के जुर्म में मुझे 7 साल की सजा हो गई। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी बहन, मेरा घर। मेरे असूलों और भावनाओं का युद्ध था वो। आपने अपने आदर्श और असूलों का युद्ध खुद ही लड़ा, मैं भी अपने इंतकाम का युद्ध खुद ही लड़ूंगा। उन कुत्तों को उनके अंजाम तक पहुंचा करूंगा मैं।
शिवा तुमने? तुझे यहाँ मैंने ही रोका है। लेकिन क्यों? बस श्रीवास्तव बस, बहुत हो गया। तेरी जिंदगी की भागदौड़ अब खत्म हो गई। नहीं शिवा नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ा तू? हाँ माफी मांगनी चाहिए तुझे मेरे माँ बाप के सामने। मांगूंगा, मैं उनसे भी माफी मांगूंगा। तू जिनसे कहेगा उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन मुझे मत मार। तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे तो ऊपर है ना, उनसे माफी मांगने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा श्रीवास्तव। एहसान फरामोश, तू मेरे बाप पर गोली चला रहा था? अरे जिससे तुझे बचपन से लेकर आज तक पाला पढ़ाया लिखाया, उस गंदी बस्ती में साफ सुथरे कमल की तरह रखा, उसका यही नाम दिया तूने? मार डाल बेटे से, मार डाल, बहुत बड़ा कमीना ये, मार डाल इसे। विजय तू कौन है? दुश्मन, जान का भी माल का भी। ये किसे बचा रहा तू? उसे? वो तेरा बाप नहीं, माँ बाप है। घोर अपराध किया है उसने, वो तेरी माँ का हत्यारा है। नहीं विजय नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रूफ है मेरे पास, तेरी माँ का मंगलसूत्र और ये फोटोग्राफ्स। नहीं बेटे नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। शिवा के माँ बाप का हत्यारा भी तू ही है, सारे रिकॉर्ड्स है मेरे पास। क्या तूने विजय, इसे मुझे मारना था, थापर को भी मैं नहीं मारा था। नहीं शिवा, थापर को तुमने नहीं मारा। क्या? उस रात तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले कौन है बे? दुश्मन, जान का भी माल का भी। तू फिर आ गया। आज आखिरी बार आया हूँ थापर। देख भाई, तूने 7 साल पहले सूरज भान के भाई का मर्डर किया था। सूरज भान के कहने पर ही मैंने तेरे को टॉर्चर किया था। लेकिन अब वो तेरे को बिल्कुल टॉर्चर नहीं करेगा, एक झटके में खलास। हाँ? क्या कहा? मेरे को मार डालेगा? हाँ? हाँ? मैं मना नहीं चाहता। इस दुनिया में साला कौन मारना चाहता है, लेकिन क्या करे, मरना पड़ता है। नहीं, मरना पड़ता है। मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। अब हमारा एक ही दुश्मन है, सूरज पान। वाह शिवा वाह, तुमने तो हमारी दुश्मनी के सारे कांटे एक एक करके जिंदगी की जमीन से उखाड़ कर मौत की खाई में फेंक दिया। वाह, अब तो बस एक ही जहरीला कांटा बाकी है और उसका नाम है कृष्णा। उसे फोन करके अपने फार्म हाउस पर बुला लो, वहां हमारे आदमी उसकी समाधि बना देंगे और फिर हम दोनों चलकर उसकी समाधि पर कांटों का हार चढ़ा देंगे। किस्सा खत्म। लो बात करो, और उसे यह भी कह देना कि फार्म हाउस पर उसकी बहन हमारे कब्जे में है। कृष्णा,
आज के बाद तुझे कभी जिंदगी से या मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज के बाद ना तो तू मजबूर रहेगा ना ही मैं। खेल ही खत्म हो जाएगा और इस खेल का आखिरी राउंड खेलने के लिए तुझे सूरज भान के फार्म हाउस पे आना होगा। तेरी प्यारी बहना हमारे कब्जे में है। इतना ही नहीं, अब उस मासूम की इज्जत आपके हवाले। ये सूरज भान, अगर तू हिलाना तो ये गोली तेरे सर के आर पार होगी। कृष्णा भैया, आप फार्म हाउस से जाकर पिंकी को गुंडों से बचाओ। मैं इस पापी को ले जाकर इसी की बस्ती में इसका वजूद मिटाऊंगा और उन गरीबों को बचाऊंगा जो उसकी गुलामी की जंजीरों में बंधे परसों से तड़प रहे हैं।
सूरज भान, अब अपनी बर्बादी का तमाशा देख। नहीं, नहीं शिवा, निकल। बनाकर अनपढ़ों को पाक पढ़ाने चला था तू, इनके दिलों में सच्चाई और ईमानदारी की रोशनी जलाने चला था तू, ये देख। ये देख, मैंने तेरी जिंदा चिता जला दी। Who is the best? I'm the best. कौन हो तुम? दुश्मन, जान का भी माल का भी। ओ, तो तुम हो वो? हाँ, मैं तेरा अंत। देख, चल गया तेरा बस्ती, चल गया तेरा धंधा, अब इस आग में तू भी जल। जीजा जी, आज तो आपकी कुंडली बंद हो गई, आज तो आप मरे ही मरे। यही है वो यमराज जिनसे मैं फोन पर बात करता था, आपके अंदर के सारे मैसेज इनको दिया करता था ताकि आप इस दुनिया से बाहर चले जाओ, और आज जाओगे। कृष्ण भैया, यमराज आए ले जाने को, लेकर ही जाएंगे। ए, ए, मार मार मार, मार। शिवा! अरे इसको इतना मार के लस्सी ना मांग सके, तभी मेरी दीदी की आत्मा में शांति मिलेगी। आज मेरी दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब झुलस गया जी। जीजा जी, तुम्हें इतनी बढ़िया और खूबसूरत मौत मिलेगी इसका अंदाजा तो मुझे पहले से ही था। आप भी कहते थे ना, आई एम द बेस्ट, गो टू हेल एंड टेक रेस्ट, और से आई एम द बेस्ट। जीजा जी, जीजा जी, दुश्मनों की जान का दुश्मन, दोस्तों की जान हूँ मैं। कुछ कह ले कोई, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ मैं। आ, 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 आ,
कोई कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, कोई कुछ कर ले, कुछ कर ले, पर एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, ओए कुछ कर ले, कुछ कर ले, पर एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए पंगा ना ले, ना ले, ना ले, पंगा ना ले, ओए। दिल अपना दिलदार जान ले, करता सबसे प्यार मान ले, दिल की बातें कोई ना समझे, समझे दिल दीवाना, दिल अपना दिलदार जान ले, करता सबसे प्यार मान ले, दिल की बातें कोई ना समझे, समझे दिल दीवाना, ओए मैं जानू मेरा रब जाने, ओए मैं जानू मेरा रब जाने, पुरजोर जवानी से।